टीवी के वे ड्रामे सारी दुनिया में बहुत शौक से देखे जाते हैं और इसके फनकारों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। 90 की दहाई में कोयटा से आने वाला एक चेहरा फरियाल गोहर सबके दिलों को भा गया। इस वक्त शेख रशीद अहमद मुस्लिम लीग नून के वजीर सकाफत थे और ऐसी बुलबुल कैसे अपने चुंगल से निकल जाने दे सकते थे। यह दौर था जब फरियाल गोहर के शोहर जमाल शाह कुछ करना चाह रहे थे और मुस्तकबिल के बहुत से मंसूबे उनके जहन में थे। शेख रशीद ने पहले जमाल शाह के जरिए फरियाल तक पहुंचने की कोशिश की, फिर अपनी पोस्ट के जोर पर और फिर अपने असर और रसूख के जोर पर कोशिश की। फरियाल गोहर जो कि आजादाना ख्यालात रखती थी किसी भी तरह शेख साहब के दाम में नहीं, उल्टा जमाल शाह से नाराज होकर तलाक ले ले। कहते हैं कि पैसे में बड़ी ताकत है और यह हुनर शेख रशीद से ज्यादा कौन जानता। फिर एक दिन फरियाल शेख रशीद के साथ इस्लामाबाद से शारजा की फ्लाइट पर लोगों को नजर आई। बाद में दोनों ने शारजा में एक ही होटल में क्याम किया और दुबई के साहिले समुंदर पर अटकेलियां करते और दुबई के प्लाजो में शॉपिंग करते दिखाई दिए गए। फरियाल ने बिलाखिर शेख रशीद को शादी की पेशकश कर दी और शेख रशीद भी संजीदगी से शादी के बारे में सोचने लगे। इन दिनों मियां नवाज शरीफ के दिल में दिलशाद बेगम घर कर चुकी थी। शेख रशीद साहब ने भी दिलशाद बेगम पर हाथ साफ करने की कोशिश की और ये बात जब फरियाल गोहर तक पहुंची तो सख्त दिल बर्दाश्ता हुई और मुल्क छोड़ के चले गए। इसके बाद फरियाल ने एक डॉक्टर से शादी कर ली, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसे न चल सकी। आजकल फरियाल गोहर और शेख रशीद दोनों ही अकेले हैं। शुक्रिया।